बहुत सकारात्मक उम्मीद है और न केवल महेंद्रगढ़ क्षेत्र से बल्कि समूचित हरियाणा से बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक परिणाम आने वाले हैं। और आप देखेंगे कि बहुमत से बहुत ऊंचे मत के साथ में कांग्रेस जो है ना यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ये भी माना जा रहा है क्षेत्र के लोगों की तरफ से कि विधायक चुनने के साथ साथ मंत्री भी आप बनने जा रहे हैं। देखिए, ये फैसला तो पार्टी हाईकमांड का है, लोगों का काम है विधायक चुनना। वो हमें आशीर्वाद देंगे, जो कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे 4 बार पहले उन लोगों ने आशीर्वाद दिया है और मैं पूरा विश्वस्त हूँ कि 5वीं बार भी वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। विधायक बनाना लोगों का काम है, मंत्री बनाना हमारी पार्टी हाईकमान का काम है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी काफ़ी डाउन, कारण क्या रहा ये इतना गैप? देखिए, बिल्कुल सत्य है ये बात। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी और जो किए हुए वादे, जो आशाएं थी वो निराशाओं में बदल चुकी है। आज कोई वर्ग इस प्रदेश का ऐसा नहीं है जो उनकी पीड़ा से पीड़ित ना हो। और लोगों ने मन बना लिया कि 10 साल हो चुके हैं, अब वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस को सत्ता में स्थापित करेंगे। उनके जो बेसिक रीजंस थे वो ये थे कि युवाओं को सबसे ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखने के लिए मिल रही तो हरियाणा के अंदर है। दूसरा महंगाई, और तीसरा विकास नाम पे कहते रहे लेकिन विकास नाम की एक चीज़ मैं दक्षिणी हरियाणा कह सकता हूँ कि एक ईंट इन्होंने लगा के नहीं दी। आप मुझे बताइए किस आधार के ऊपर लोग फिर मतदान करेंगे उनको।